जो बच्चा था आज मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आज मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ में है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था बॉडी में, मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पेरेंट्स से मीटिंग आया हूँ, मुझे कहीं से फील आ ही नहीं रहा है मैं चीज़ गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैं ये चाहूँगा कि मैं हमेशा बच्चा बन के ही अपने स्कूल आऊँ, मैं वो कितना भी ऊँचा हो जाऊँ लेकिन मैं हमेशा मैम की नजरों में मैम बच्चा बन रही हूँ, मैं बच्चा बन के ही आऊँ और मैं उस बच्चे को जीवित रखना चाहता हूँ जीवन पर्यंत। परम पूज्य मानव सर को याद करते हुए आचार्य मानव सर मैनेजमेंट मेरे गुरुजन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज सम्मान दिया है, प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में बुला के आपने मेरा मान बनाया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आरजी कुमार भारतीय रेल सेवा यूपीएससी बल्लभगढ़ का अधिकारी हूँ और वर्तमान में मेरी तैनाती त्रिपुरा राज्य में है, अगरतला में है। मैंने अपना स्कूलिंग ब्राइट लाइन से 2000 में स्टार्ट किया था। मैं क्लास 5 से मेरी स्कूलिंग यहाँ के लिए हो रही है और मैं क्लास 8 तक यहाँ पढ़ा हूँ। 2008 आता हूँ, मेरे पास पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, अभी गया उसमें वर्तमान में। तो लखनऊ आने से पहले हम लोग सर्विस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, तो जैसे कि जिला छोटा ही कहूँगा मैं लखनऊ की तुलना में, तो छोटा जिला छोटे स्कूल और उन छोटे स्कूलों का मैं चैम्पियन था। मतलब कभी फर्स्ट रैंक आती थी, कभी सेकेंड रैंक आती थी, कभी थर्ड आती थी। तो मुझे लगता था मैं तो बहुत पढ़ने वाला हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ 2000 में आया और मेरा एंट्रेंस लिया ब्राइट लाइन कॉलेज में, तब मेरे नंबर बहुत एवरेज आया, तब मैं धरती भी आ गया। मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं थी जो मैं लेता था, क्वालिफिकेशन ये है जहाँ पे हमारी परीक्षा ली गई है। तो मैं काफ़ी निराश हुआ, मैंने पापा बोला पापा मैं तो पढ़ने में अच्छा था, पता नहीं क्या क्या पेपर कैसा बनाया एंट्रेंस का, मैं तो अच्छा नहीं कर पाया। तब मेरे टीचर आए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, पोटेंशियल है, यू कैन डू मिरेकल्स एंड यू विल डू मिरेकल्स। और उस भरोसा जो भरोसा मेरे गुरुजनों ने मेरे ऊपर जताया, मैं उसी भरोसे के साथ कक्षा 12 तक की पढ़ाई में उसी भरोसे को लेकर जिया और मैंने अपने गुरुजनों की जो भी अभिलाषाएँ थी, जो भी अरमान थे, उनका हर ढंग से प्रयास किया कि उनको मैं पूरा कर सकूँ। और मैं पूरा कैसे कर सकता, मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन के अपने स्कूल का नाम रोशन करके मैं कर सकता था। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही बन पाया हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही अंदर से आप संतुष्टि होती है कि हाँ मैं स्कूल का बच्चा था, स्कूल का बच्चा मैं बना रहना चाहता हूँ। और मुझे बहुत ही मुश्किल याद आती है जब मॉर्निंग में मैं थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें हमें बोलना होता है आउट ऑफ द डे शॉर्ट टॉप न्यूज, तो मुझे लग रहा है कि आज भी मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं कि मुझे बड़ा बहुत मॉर्निंग प्रेयर में। तो मुझे लगता था कि अरे आज क्या बोलना है, अरे क्या कर दिया। तो वो जो फीलिंग थी वो दोस्तों शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जैसे कि मैम ने कहा कि जो काउंसिल में आने से कुछ बच्चे कतराते हैं, तो मैं अपने सभी बच्चों से ये बताना चाहूँगा उनको, मैं अपने पास एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने जो अपने ऊपर मैंने फील किया है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ कि जो कॉन्फिडेंस आपको स्कूल का प्लेटफॉर्म देता है ना, जो अपॉर्चुनिटी देता है, जो मौके देता है, वो लाइफ में कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कभी नहीं दे सकता। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग, जो आपके स्कूल के टीचर्स जो दिन रात बैठ करके आपके जो होते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग, जो नेचर बिल्डिंग, जो पर्सोना क्रिएट करते हैं, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है और वो बिल्डिंग स्कूल नहीं होती है। तो मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि बिल्कुल आप बच करके आप लकी हैं जो आपको सिलेक्ट किया जाए काउंसिल में। इन हजारों बच्चों में से आपको चुन करके कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जा रहे हैं, अपने आप में गर्व की बात है। और हाँ, मैं इस गर्व की अनुभूति कर चुका हूँ, मैं स्कूल का हेड बॉय था और मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि मिस्टर ब्राइटमैन भी बना। तो मुझे बहुत ही गर्व होता है मैं बताते हुए कि बहुत अच्छी अनुभूतियाँ मेरे स्कूल में जुड़ी हैं। हमारे मानव सर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उन्होंने जो सपना देखा था, सपना उनका ये था जैसे मैंने बताया कि मैं चाहता हूँ जीतने तो आते हैं 15 अगस्त पे आर्मी के बच्चे आते हैं और बहुत डिफरेंट ऑफिसर्स आते हैं, हमारे कॉलेज का जो बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही वेल क्वालिफाइड डिग्रीज एसोसिएटेड हैं हमारे संस्थान से। तो मैं बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ, तो मेरा मान बढ़ाया और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा सबसे सपना था कि मैं उस दिन मुझे असली संतोष असली खुशी मुझे उस दिन मिलेगी जब मेरे ही पढ़ाने में छात्र छात्राएँ मेरे ही संस्थान में चीफ गेस्ट बन के आएंगे। तुम्हारा सर आप जहाँ भी हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से, आपकी गाइडेंस से मैंने जो थोड़ा बहुत अचीव किया है वो बस आपकी देन है, हमारे गुरुजनों की देन है। और मैं आपका जहाँ भी हैं आप संतोष में रहें और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो छात्र छात्राएँ जो भी पढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर में बहुत मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा करेंगे और उन सभी की सफलता से आपको और भी अधिक संतोष होगा, ऐसा मुझे भरोसा है, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं जब
गेट में एंटर किया तो पुराने चेहरे मुझे दिखे, चाहे हमारे जो ग्राउंड वर्कर जो स्टाफ है, आया मैम है, जो मैडम है, हमारे टीचर जो शिक्षक हैं, तो चेहरे 16 साल पहले मैंने देखे थे, वो चेहरे मैंने जब देखा ना तो मुझे वास्तव में समझ आया कि हाँ ब्राइट मैन परिवार में परिवार का महत्व क्या है और परिवार का अर्थ क्या है। यही होता है परिवार। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इतनी लंबे समय तक कोई सर्वाइव कर पा रहा है तो मैं इस इंस्टीट्यूशन की महानता ही कहूँगा, इसलिए अपने एम्प्लॉइज से भरोसा बनाए रखना और उनकी सेवाएं अभी तक जारी करके रखी हुई हैं, उनका जो अनुभव है हमारे फ्रेंड्स को अभी तक ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैम। आपने हमारे सभी टीचर्स में स्टाफ का जो ट्रस्ट दिखाया है, शो किया है, डेफिनेटली देयर इज पे बैक टू यू मैम एंड पे बैक टू दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन। मुझे और मैं अब अपने बारे में छोटा सा मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मैं देखिए मैं आई एम नॉट ग्रेट स्पीचर, आई एम नॉट एट ऑल ग्रेट स्पीचर, आई एम नेवर स्पोकन टू सच प्लेटफॉर्म्स। हाँ मैं चीफ गेस्ट में आया हूँ, लेकिन यहाँ पर चीफ गेस्ट का कुछ अलग अर्थ है, कुछ अलग मायने हैं मेरे लिए। तो मैं अपने जीवन की थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं मेरे फादर पुलिसमैन थे और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। तो जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था 2000 में तो हम लोग टोटल 5 भाई बहन थे, मतलब 3 मेरे सगे सिबलिंग थे और मेरे कजिन भी थे। तो 5 लोगों का जो खर्चा था पढ़ाई का, तो एक पुलिस की नौकरी करके शायद पापा मेरे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि लखनऊ आए थे जहाँ पे बहुत ही मैं नाम लेना ही जाऊँगा, लेकिन ऐसे ऐसे संस्थान हैं जो कि एडवर्टीजमेंट में इतना खर्चा कर देते हैं, न्यूज़ पेपर्स में आर्टिकल आते हैं, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आते हैं, ऐसा लगता है कि बस पढ़ाई तो वहीं है बट ऐसा नहीं है। तो कॉलेज में जब पापा मेरे एडमिशन कराने के लिए आए तो 5 लोग थे हम लोग, तो बोले कि बेटा फीस कैसे होगी, तो मेरे पापा ने उन्होंने बताया कि नहीं मेरे बच्चे खुद यहाँ पढ़ रहे हैं, फीस बिल्कुल नॉमिनल है लेकिन एडुकेशन की जो क्वालिटी है वो अनमैचेबल है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ मैं त्रिवेणी का रहने वाला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब जो है मेरे पापा अफोर्ड भी कर सकते हैं और मैं क्वालिफिकेशन ले भी सकता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एडमिशन लिया। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मैं डिसीजन मेरा गलत था, मुझे हर दिन अपने डिसीजन पर अभिमान होता था कि हाँ मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया और टीचर्स ने इतना अच्छा ग्रूम किया तो मैं मुझे लगता था कुछ करूँगा। तो ये जो आत्मविश्वास था ये मुझे आप लोगों के सामने आज लेकर आया है और इसी आत्मविश्वास की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हो पाया हूँ। और मैंने 2008 में 12th के बाद 2009 में मैंने AIIT का एग्जाम क्वालिफाई किया और NIT भोपाल में मुझे एडमिशन मिला, लेकिन इंजीनियरिंग में आकर बीटेक किया मैंने। तो 9 से 13 में मैंने बीटेक किया, फिर 13 में आई गॉट कैंपस सिलेक्शन इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, इट वॉज फेयर इंडियन ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड जो कि पुणे में है। तो आई वर्क इन कंपनी फॉर 1 ईयर एंड आफ्टर दैट समवेयर इन माय माइंड आई हैड दिस फीलिंग कि आई मस्ट क्रैक द UPSC एग्जामिनेशन। तो सैलरी वाज डिसेंट, एवरीथिंग वाज गुड, फर्स्ट वर्क गुड, तो मुझे लगा नहीं प्राइवेट में नहीं, मुझे गवर्नमेंट में, क्योंकि UPSC निकालना है। तो मैं दिल्ली शिफ्ट किया, रिजाइन किया मैम मैंने 14 में, देन आई 14 आई केम टू दिल्ली एंड स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। मैंने 14 15 आई प्रिपेयर्ड अ लॉट, आई स्ट्रगल, आई फेस लॉट ऑफ हार्डशिप देयर, बट डेफिनेटली आई हैड दिस मैम कि हां आई हैड दिस फेथ कि आई विल डू दैट, आई कैन डू दैट। तो मैंने कंटिन्यू करा अपनी तैयारी और UPSC में 2015 बैच में ऑल इंडिया रैंक 78 के साथ मैंने भारतीय रेल सेवा को ज्वाइन किया। तो जब मैं दिल्ली में था, मैं छोटा सा इसलिए बताना चाहूँगा कि दिल्ली में था तो क्या होता है कि बीटेक करने के बाद एक एग्जामिनेशन होता है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड है, तो वो गेट के स्कोर कार्ड से सिलेक्शन करते हैं। तो सम नाउ फॉर सम रीजन आई कुड नॉट क्रैक दैट एग्जामिनेशन, मैं ओवरऑल जॉब प्राप्त नहीं हुआ। तो मुझे कोई कॉल नहीं आया, ना इंडियन ऑयल ने बुलाया, ना NTPC ने बुलाया, ना BHEL ने बुलाया। तो मुझे लगा कि मैं इतना बेकार होकर करने है, मेरा गेट सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, कोई मुझे बुला ही नहीं रहा है। तो फिर आउटसाइड गेट की कुछ स्पेशल थी, जैसे नेशनल किडनी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, यहाँ के रिटर्न मैंने निकाले, देन टेक्निकल इंटरव्यू निकाला, देन HR में अवॉर्डेड जॉब। तो आई थॉट एंड आई टॉक टू माय मैनेजर कि यार मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत ही डिप्रेशन में आया, वास्तविकता से मतलब होता भी है, डिप्रेशन होता है, बच्चे तैयारी करता है उसको नहीं मिलता है, तो हाँ डिप्रेशन में जाता है, कुछ नहीं लगता है। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी कुछ नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट कंपनी में अच्छा है, 17,000 रुपये की नौकरी छोड़ के आया हूँ, तो पैसे भी था कि नहीं कर पाऊंगा तो कैसे होगा। तो मेरी मम्मी ने एक सेंटेंस में बोला कि बेटा मैंने अपने बेटे को दिल्ली भेजा है अधिकारी बनने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए भेजा है। तो ये लाइन इतना मुझे मोटिवेटिंग लगी कि मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा नहीं हुआ ना, तो ये जो हुआ नहीं हुआ ये कुछ अच्छे के लिए नहीं हुआ, शायद मैं अगर NTPC या NHPC या BHEL के लिए ज्वाइन करता तो शायद मैं IAS ऑफिसर नहीं बनता। सिर्फ उसी लाइन से ने मेरा जो है जो इतना मोटिवेशन था पूरा पुस्तक किया, और अगेन मैंने जो है डबल एनर्जी के साथ आई रिकाउंड
और मैंने टेबल चेक करा कि फिर से पूरे मन से मैंने कहा क्यों नहीं होगा अपन यहाँ बेटा तुमको बस एक सीट चाहिए केवल एक सीट तो इससे हम देखो की कुर्सी कितनी है हम एक सीट चाहिए वो तुम्हें लेनी हो तुम ले सकते हो। तो जो आत्मविश्वास मेरे पापा मम्मी ने दिखाया वो आत्मविश्वास ही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना और मैं शायद उसी आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ा। मैंने मेहनत की और मैंने एग्जाम क्रैक किया। तो आज जितने भी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है मैं आप सभी से ये आह्वान करूंगा आपसे अनुरोध करूंगा आपसे मैं कहना चाहूंगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे आपको कभी भी घबराना नहीं है आपको डबल एनर्जी के साथ वापस आना है और अपने माँ बाप को अपने समाज को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने गुरुजनों को ये दिखाना है कि नहीं मैम देखिए मैं आपका छात्र हूँ मैं आपकी छात्रा हूँ मैं कर सकती हूँ मैं करके दिखाऊंगी और करके दिखाइए। जैसे अभी मैं और इंडिया दो साल मेरे से जुड़े रहे थे शी वॉज ऑल्सो एंड शी इज ऑल्सो माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैम ये कहते हैं कि मैं मतलब अभी दो बच्चे आए हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं चाहूंगी कि और बच्चे हैं मुझे पूरा भरोसा है मैम कि डेफिनेटली आपकी जो ये सपना आपने उसका जो मुझे सपना देखा था वो सपना साकार हो रहा है और आगे और बुलंदी को छुएगा। तो जैसे कि अभी काउंसिल मेंबर्स की बात हो रही थी कि लीडरशिप बिल्डिंग पर्सोना बिल्डिंग तो मैं इस समय त्रिपुरा में मेरे साथ में मैं अंडर तो नहीं बोलूंगा मेरी टीम है आई हैव अ टीम ऑफ अराउंड 1000 प्लस पीपल विद मी अवेलेबल विद मी और उनको मैं कमांड करता हूं उनको गाइड करता हूं उनसे मुझे आउटपुट लेना होता है। तो 1000 लोगों को कमांड देने की जो क्षमता है मुझे कहीं और से नहीं मिली मुझे किसी ब्राइट मैन इंटर कॉलेज के किसी प्लेटफॉर्म से मिली। तो बिल्कुल भी ये अवसर है अपनी पर्सनैलिटी को अपने व्यक्तित्व को निखारने का ये अवसर है और इस अवसर का इस्तेमाल करिए। आपको तो रिक्वेस्ट करना चाहिए मैम मैं कर सकती हूँ मुझे आप सिलेक्ट करिए। तो ये एक अवसर है अवसर को मतलब बार बार नहीं मिलेगा मैं सब कह रहा हूँ मैं दिल से कह रहा हूँ मैं अनुभव से कह रहा हूँ ये जो अवसर है इस अवसर को आप उसका लाभ उठाएं और आप इसका हिस्सा बने। मेरे साथ विद्या है विद्या को काउंसिल वन ऑफ द काउंसिल मेंबर डिबेट बार बार प्रतियोगिता शी ब्रॉट लॉजिस्ट टू द कॉलेज मुझे गर्व है कि उसके अभी स्टेज शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत ही मतलब ये प्राइड की बात है और लास्ट में मैं कुछ इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी माता पिता जो हमारे बैठे हुए हैं मैं आप लोगों के बीच से ही निकला हुआ बच्चा हूँ मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ मैं आपके मोहल्ला ही कह सकते हैं मैं देवी नगर से ही हूँ। तो अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत भी कर पाया हूँ तो अपने माता पिता अपने गुरुजनों की प्रेरणा से कर पाया हूँ आपके बच्चे भी कर सकते हैं। अपने बच्चे को डिसाइड करने दें कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है और उसके डिसीजन पे अपना मुहर लगाएं उस पे अपने जो फैसले हैं वो थोपेगा क्योंकि स्कूल में जब आदमी पास करके निकलेगा ना आपका बच्चा बच्ची तो उसको इतनी समझ हो जाती है जो हमारा एनवायरमेंट है स्कूल का इतना अच्छा है इतना मौसम है कि वो उस बच्चे को आप उसका आत्मज्ञान हो जाता है कि उसको क्या करना है लाइफ में। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोपे ना बच्चे को इंकरेज करें किसी दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको कंपेयर ना करें और उसको उसकी तरह जीने दें और उसको उसकी तरह लाइफ में अचीव करने दें। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आई थिंक आई ऑलरेडी गिव टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं अपने लैपटॉप को यहीं विराम दूंगा और वन अगेन मैम थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस ऑनर और मैं इसके लिए आभारी रहूंगा और सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी मेरे सामने हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैम जो कुछ भी बन पाया हूँ आप लोगों की प्रेरणा आप लोगों की शुरुआत ही बन पाया हूँ और कृपया